सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये देखिए मैंने दाल भी भिगो के रखी थी, इसको 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपको चने की दाल की निमको बनाना सिखाऊंगी। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। अब यहाँ पर आपने चने की दाल लेनी है और इसको 4 घंटे के लिए मैंने भगो दिया है और इसको मैंने खुश्क कर लिया इसका पानी अब। और अब मैं आपको बताती हूँ इसको हम तलेंगे और जो मसाला वगैरह है वो हम बाद में इसको लगाएंगे। हम चाट मसाला जो है वो बाद में लगाएंगे इसको। इसको सिर्फ सादा पानी में आपने भिगोना है। मैंने इसको 4 घंटे के लिए भिगोया है, आपने इसको कोई मीठा सोडा या नमक वगैरह नहीं लगाना। और उसके बाद आपने इसका पानी खुश्क कर लेना है और फिर अब हम इसकी तलाई करेंगे। ये आपने घी तेज गरम कर लेना है, लेकिन आपने बर्तन ज्यादा बड़ा लेना है क्योंकि जैसे ही मैं दाल डालूंगी ये ऊपर को उभरेगी ज्यादा, फिर हम इस पर ढक्कन लगाएंगे ताकि कोई जल ना जाए। तो इसलिए ये आपने ध्यान में रखना है कि दाल आपने एक एक मुट्ठी करके इसको तलना है और बर्तन बड़ा लेना है ताकि अगर वो ऊपर को उभरे भी तो आप जले नहीं, क्योंकि तेज गर्म घी है तो एहतियात जरूरी है। ये देखिए अब ये उभरी नहीं है और मैंने एहतियात से डाल ली है, लेकिन आपने एहतियात रखनी है कि ये अगर एक तरह का उबाला इसको आए तो आप एहतियात में रहें। ये 5 मिनट के लिए हमने पकानी है इसी तरह तेज आंच पे। ये देखिए फ्राई होता जा रहा है, आपने साथ साथ चेक करना है कि हमें कितना क्रिस्प चाहिए इसके अंदर। तो आप ये जैसे ऐसे एक ले के दाना तो साथ चेक करते जाएंगे हम। मैं इसको थोड़ा और टाइम दूंगी, मुझे अभी दाल कच्ची लग रही है, मैंने चेक की है। ये देखिए मैं इसको और थोड़ा सा टाइम दूंगी अभी। ये देखें 10 मिनट के बाद तकरीबन ये मेरी दाल जो है ये बिल्कुल सही है, मैंने चेक किया है इसको। क्रिस्प भी इसमें हल्का सा आया, लेकिन जब हम इसको रखेंगे खुश्क होने के लिए तो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखें मैं इसको ऐसे निकाल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको सब घी इसमें से निकाल लिया। आवाज़ सुनने से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी आवाज़ की लग रही है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ प्लेट में। ये देखें अब मैंने इसको खुश्क उसमें डाल लिया बर्तन में। अब हम ये मैंने चाट मसाला लिया ये इसके ऊपर डाल लेंगे हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। आप जितना आप चाहें अपने हस्बे आज जो है रायता आप डाल सकते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहे आज क्योंकि बच्चों के लिए है, तो मैंने हल्का सा रखा है इसमें मसाला। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने दाल को डिश आउट कर दी है, बिल्कुल रेडी है। आप मसाला अपने लिहाज से डाल सकते हैं हस्बे जायका। प्लीज़ ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अब हम आपको आप मूंगी की दाल की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसकी भी मैंने निमको तैयार की है, फिर एंड में आपको मुकम्मल निमको की वीडियो दिखाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।